हेलो गाइस, आई एम समीर खान फ्रॉम भोपाल भोपाल रिस्टोरेशन। और आपके सामने जो बाइक अभी नज़र आ रही है, ये पूरी की पूरी जनरल रिस्टोर हुई है बाइक। और चारों तरफ से आप देख सकते हैं, इस बाइक में आपको कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही होगी। और टोटल ऑल मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ, जैसे शॉक ऑफ राड्स प्लस गाड़ी के अंदर ओरिजिनल टायर्स, फ्रंट मडगार्ड, ओरिजिनल हेडलाइट, ओरिजिनल वाइजर ग्लास और नंबर प्लेट सभी कल सुबह तक लग पाएंगी। और उसके अलावा कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, टोटली स्क्रैप कंडीशन में एक्सीडेंट बाइक थी, ये पूरी रिस्टोर हुई है जर्नली। और उसके अलावा अगर आपको बाइक में पूरी बैक लुक से अगर दिखाना स्टार्ट करूँगा, तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी साइलेंसर पे, जो इसके ऊपर के जो कैप्स नज़र आ रहे हैं, ये पूरे स्क्रैचेस खा के डैमेज हो चुके थे। साइड और उसके अलावा अगर आप गाड़ी के अंदर चारों तरफ से नज़र मारेंगे, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और नज़र आएगी गाड़ी के अंदर, ये जो फाइबर का पूरा बैक मडगार्ड नज़र आ रहा है, रेयर मडगार्ड बोलते हैं इसको। और उसके अलावा ये जो चीज़ है, ये भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी। न्यू ब्रांड पैटी पैक टायर्स आपको नज़र आ रहे होंगे बाइक के अंदर, पूरी बाइक रिस्टोर होकर आप लोगों के सामने है। और जब ये बाइक आई थी, उस टाइम हम वीडियो बना नहीं पाए थे, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि गाड़ी के अंदर एक्चुअल में हमारे पास टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए। और उसके अलावा ये फ्रंट में पूरा का पूरा 90 डिग्री आपको बाइक का नज़र आ रहा होगा क्रिस्टल लाइट के साथ। उसके बाद साइड में आपको बहुत ही खूबसूरत से साइड ग्लास नज़र आ रहे होंगे शॉर्ट बार हैंडल के साथ। और साथ ही साथ गाड़ी में मैं आपको ये भी क्लियर बताऊँगा कि ओरिजिनल गाड़ी के अंदर ये देखिए पूरा का पूरा मीटर लगा हुआ है डिजिटल। और फ्रंट के अंदर आपको ये ओरिजिनल इग्निशन, साथ में पूरा लॉक किट, उसके बाद पूरी फाइबर बॉडी, टोटल आल जनरल कलर, पूरे टोटल नट बोल्ट्स, जर्नली गाड़ी के अंदर न्यू ब्रांड टायर्स, प्लस गाड़ी के अंदर चेनिस पॉकेट, और जितना भी वर्क होना था टोटल आल हो चुका है। और पूरी बाइक कंप्लीट होकर आप लोगों के सामने आ चुकी है। अगर आपको बाइक के अंदर किसी भी तरह की कोई भी कमी नज़र आती है, तो वो आप मुझे बता सकते हैं वीडियो के एंड में आके कमेंट सेक्शन में। बाकी जितना बेटर हम बना सकते थे हमने बनाया है, और टाइम की कमी के कारण इतनी रात में ये पूरा वीडियो शूट कर रहे हैं। अगर आपको बाइक में कोई भी कमी नज़र आती है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। बाकी जितना बेटर हम काम कर सकते थे हमने किया है। और वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।